हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं कोकोनट लस्सी और केसर मिल्क ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लाजवाब है, तो इस नवरात्रि आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले हम केसर मिल्क ड्रिंक जो होता है बहुत ही हेल्दी होता है और व्रत में आपको ताकत देता है। तो बस देर नहीं करते हैं, चलिए फटाफट बनाते हैं केसर मिल्क ड्रिंक। तो यहाँ पर देखिए 500 ml मैंने दूध लिया है और गैस का फ्लेम लो करके हम दूध को सबसे पहले पकाएंगे। तो आपको पता है कि जो केसर वाला दूध होता है काफ़ी हेल्दी होता है और हमारे दिमाग को भी काफ़ी हमारे दिमाग को नियंत्रित रखता है। तो हमें ज़रूर इस तरह के मिल्क ड्रिंक को ट्राई करना चाहिए। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आप एक बार इस तरह से केसर मिल्क ड्रिंक ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने केसर डाल दिया है और जब मैंने केसर डाला है तो देखिए धीरे धीरे ही आपको दिख रहा होगा कि इसका कलर चेंज होने लगा है। तो बहुत लोग केसर की चाय, केसर का दूध पीना पसंद करते हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी और काफ़ी पौष्टिक होता है। तो ये देखिए ये अब धीरे धीरे अच्छे से बॉयल हो रहा है, लेकिन इसे हमें पूरा लगभग 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में अच्छे से पकाना है। तो अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, तो अगर आपका बीपी हाई रहता है और जोड़ों में दर्द रहता है, तो आपको ये जो इम्यूनिटी बूस्टर केसर मिल्क ड्रिंक ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही हेल्दी होता है कोकोनट। सूखा नारियल लिया है और चीनी लिया है, सौंफ लिया है, इलायची लिया है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर कोकोनट, ये एक पूरा नारियल का गोरा है, इसे मैंने लिया है, इसे डाल देंगे। और अब हम इसमें इलायची और सौंफ, ये दोनों हम डाल देंगे। और सौंफ मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है और 2 इलायची लिया है, और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। बस इन सब का आपको अच्छे से पाउडर बना लीजिए। केसर में कई एंटी इफेक्टिव गुण होते हैं, तो जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अगर आपको गले में खराश है, मांसपेशियों में दर्द है, तो ये जो 1 कप दूध है केसर वाला आपको बहुत ही राहत देता है। तो देखिए अब ये धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कि इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया है, बहुत ही फटाफट बन जाता है ये केसर मिल्क ड्रिंक। और सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी होती है कि ये बहुत ही हेल्दी होता है, तो बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है ये केसर मिल्क ड्रिंक। तो आप इस बार ज़रूर नवरात्रि में ट्राई करिएगा। तो बस देखिए अब इसको हमको इतना पकाना है, अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, हमें इसको इतना पकाना है। तो ये देखिए अब ये धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कि इसका जो कलर है हल्का सा चेंज हो रहा है। आप इसे थोड़ा और गाढ़ा कर लीजिए। तो आप चीनी की जगह यहाँ पर मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, और जैसे सूखे मेवे में आप कुछ और भी, जैसे जो भी काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आप इसमें डालना चाहें, खसखस भी डाल सकते हैं, तो खसखस भी काफ़ी अच्छा होता है। तो बस देखिए केसर मिल्क ड्रिंक तैयार है और मैंने गैस बंद कर दिया है, और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक ये होता है केसर मिल्क ड्रिंक। तो ये देखिए ये बहुत ही लाजवाब है, तो आप इस नवरात्रि इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको केसर मिल्क ड्रिंक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब जो है मैं दूसरा मिल्क ड्रिंक आपको बताऊंगी, तो ये है कोकोनट लस्सी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्वादिष्ट होती है कोकोनट लस्सी। तो लस्सी तो आपने कई बार पी होगी, कई तरह की लस्सी पी होगी, लेकिन एक बार आप कोकोनट लस्सी ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी होता है और बहुत ही आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो बस चलिए बनाते हैं टेस्टी कोकोनट लस्सी। तो देखिए कोकोनट लस्सी बहुत ही लाजवाब है। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर फ्रेश दही लिया है, ये दही 500 ग्राम है, और आपको इसको सबसे पहले एक बर्तन में डाल लेना है। तो देखिए मैंने एक बर्तन में डाल लिया है, बहुत ही लाजवाब ये लस्सी बनती है। वैसे आपने कई तरह की लस्सी पी होगी, लेकिन आज आपको बहुत ही यूनिक आज हम लस्सी बनाना बताएंगे। तो ये देखिए आप जितना मीठा इसमें मतलब पीना चाहते हैं दही में, उस हिसाब से आप इस
इसमें डाल दीजिए चीनी। और अब हम इसको क्या करेंगे, आप या तो मथनी ले लीजिए और या तो फिर आपको इस तरह से विस्कर की सहायता से आप बहुत ही अच्छे से इसको फेंट लीजिए। तो देखिए, जो लोग क्या करते हैं कि मिक्सर में या ऐसे बनाते हैं बहुत ही मतलब, तो वो छाछ बन जाता है, वो असली लस्सी नहीं बनता। असली लस्सी क्या होता है कि बस इस तरह से थोड़ा सा मथा जाता है, तो बस इस तरह से आप इसको 1 से 2 मिनट बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जो दही के सारे टुकड़े हों और चीनी है बहुत ही अच्छे से बस मिल जाए। तो बस देखिए, ये इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है, अब आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से फेंट के एकदम रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट, तो या तो आप चाहिए तो आपको फ्रेश कोकोनट डाल दीजिए उसको कद्दूकस करके। तो ये देखिए मैंने कोकोनट डाल दिया है, गर्मियों में काफ़ी एनर्जिक देता है ये कोकोनट दही लस्सी, तो ये बहुत ही एनर्जिक वर्धक होता है। अब इसमें हम कुछ आइस क्यूब डाल दे रहे हैं, तो ये देखिए मैंने आइस क्यूब डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा पानी डाल देना है, और मैंने इसमें बर्फ़ डाल दिया है तो ये भी अपना पानी छोड़ेगा। तो बस आपको इस तरह से अच्छे से फेंट लेना है, तो ये देखिए मैं इस तरह से अच्छे से फेंट लूँगी। असली लस्सी तो तब बनता है जैसे दो बर्तन में, आपको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में बस आपको डाल के फेंटना होता है। तो देखिए बस इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक इसको इतना मथना है कि ये बस अच्छे से मिल जाए। बहुत ही लाजवाब लस्सी बनती है। आज तक आपने अमृतसर की लस्सी या ऐसे बहुत सारी लस्सी पी होगी, लेकिन आप एक बार इस तरह से लस्सी बनाइए। देखिए अक्सर जो लोग लस्सी बनाते हैं उसको मिक्सर में डाल के छाछ बना देते हैं, तो हमें छाछ नहीं बनाना है, परफेक्ट लस्सी बनाना है। तो इसलिए देखिए लस्सी वाली गिलास, ये बड़ी वाली गिलास लेनी है और आपको इसको एक गिलास से दूसरे गिलास में डाल के बहुत ही अच्छे से इसको फेंटना है। तो ये देखिए मैंने एक बार इस तरह से गिलास में डाल दिया, फिर उसी बर्तन में हम पलट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करके 3 से 4 बार आप फेंट लेंगे, तो ये बहुत ही झागदार परफेक्ट ये दही लस्सी, ये देखिए परफेक्ट दही लस्सी बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही एनर्जिक वर्धक होता है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट दही लस्सी बन के तैयार है। अगर आप आइस क्यूब नहीं डालना चाहते हैं तो आप आइस क्यूब मत डालिए, स्किप कर दीजिए। तो देखिए परफेक्ट कोकोनट लस्सी एकदम रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये कोकोनट लस्सी होता है, तो इस नवरात्रि आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए इसे मैंने डाल दिया है, और अब हम ऊपर से कोकोनट और ड्राई फ्रूट जो भी आप डालना चाहें उसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए मैं ऊपर से भी कोकोनट ऐड कर दे रही हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार कोकोनट लस्सी एकदम तैयार है, बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो ये देखिए ऊपर से मैंने कोकोनट डाल दिया है, और जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डाल दीजिए। तो टेस्टी हेल्दी कोकोनट लस्सी तैयार है। आई होप कि आपको ये दोनों ड्रिंक ज़रूर पसंद आए होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।